भाई देखिए आज संडे है, कितने बज चुके हैं, थोड़ा सा ट्रैफिक था रास्ते में, एनिमल ट्रैफिक। 5:12 हो चुके हैं, संडे हमारा स्टार्ट हो चुका है। प्री वर्कआउट भी हमने वो ले लिया है, प्रोटीन शेक शेक पीते हैं और लेट्स सी क्या करते हैं। चलो तो सबसे पहले गाइस इधर आ गए थे लवली वाले पे, वो पीछे भी ठुकने वाला था। देखो पानी की बोतलें ले लिए यहाँ पे। चलो लेट्स गो। मौसम तो अच्छा हो रहा है अभी तो, अब दिन का पता नहीं। सुबह सुबह नाश्ते की तैयारी हो रही है, समोसे कचौड़ी बनने वाले हैं, पर हमें क्या, आज संडे होगा, हम ये सब नहीं खाएंगे। तो गाइस उसको स्टार्ट कर देते हैं एक एक्टिविटी को। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी ऑन हो चुकी है, जिसे कहते हैं आउटडोर रन। ठीक है, 100-200 मीटर रनिंग करते हैं, मतलब हल्की हल्की वॉकिंग, फिर हल्की हल्की थोड़ी सी स्पीड, और फिर रन करते हैं और देखते हैं आज कितने किलोमीटर रन कर पाते हैं हम। ये क्या है, तो इंक्लाइन वॉक की व्यवस्था देख पा रही है हमें, दूसरी बात उस पर इंक्लाइन वॉक भी कर देंगे। और देखो तो गाइस 3 किलोमीटर 3:30 हो चुके हैं। देखिए कबूतर सुबह सुबह अपने सुकून से चारा खा रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं। ओ हमारे वर्कआउट पार्टनर भी आ चुके हैं, आप बस उनको यहीं से देखो, चेहरे पे मत जाना। चलो चलते हैं वापस, कंटिन्यू रिज्यूम हो चुका है ये। फाइनली गाइस आ चुके हैं वापस से बैक टू पवेलियन। 5.5 किलोमीटर रनिंग हो गई है 1 घंटे के अंदर अंदर, हालांकि बहुत कम हुई है क्योंकि आज एक लेग डे है। चलो वापस से अपना एक प्रोटीन शेक बनाते हैं और पी के से फिर से घर निकल जाते हैं। लेट्स गो। तो गाइस रनिंग करने के बाद प्री वर्कआउट मील खाते हैं, छोटा सा ऑमलेट, थोड़े से छोले, थोड़े से चावल और मैंगो के साथ। गाइस देखो एक लाइट पीली एक सफ़ेद है, इस गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, हर बातें हैं सही। अब गाइस मौसम तो अच्छा सा हो रहा है, बारिश होने लगी है, टायर पंचर जड़वा के हम फिर से फॉक्स नालों के पास आ चुके हैं। देखिए इन्होंने हमारी गाड़ी खोल दी है, कुछ इसमें गड़बड़ हो गई थी, अब वही देख रहे हैं कि क्या मैटर है वो। तो आज जिम के अंदर आ चुके हैं हम फाइनली। आज जिम में बहुत खाली सा लग रहा है, नहीं तो रोज़ तो भरा हुआ रहता है। बहुत बुरी सी हालत है, सामान चट्टा फैला हुआ है। देखो कितने बज रहे हैं, 1:15 हो गया। तो देखो अब शुरू करते हैं, वो कब तक करते हैं क्या करते हैं चेक करते हैं। गाइस बेल्ट और जूते सब उतर चुके हैं, टायर पर हटा दिया। पहली एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है हमारी, दूसरी एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरी एक्सरसाइज में क्या करेंगे। लेट्स सी, स्क्वाट्स तो इतने में गेम ओवर हो गया, सोचा तो 10-10 लगा लें बट नहीं हो पाया, नहीं कई बजन मार पाए हम। बगल में हमारे गोरिल्ला सर प्रैक्टिस कर रहे हैं, भयंकर धमाके सर के अंदर। चलो चलें दूसरी एक्सरसाइज की ओर। एक दिन मेरी जान जाएगी पास।
फाइन लेग्स का वर्कआउट खत्म हो चुका है, समय आ चुका है ट्रेडमिल पे चलने का। लेट्स स्टार्ट इट, 3, 2, 1 बेल्ट स्टार्ट हो रही है। ढाई घंटे हो गए हैं लेग मारते मारते, पूरी टांगें भर चुकी हैं। हमारे जिम पार्टनर जिनका चेहरा नहीं दिखाना, सिर्फ चड्डा दिखा सकते हैं, आप एक चड्डे से गैस कर लें कौन है ये। लेट्स स्टार्ट इट, थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं और थोड़ा गेम करते हैं, चलो। तो भाई बहुत हो गया है सब कुछ, इसका गेम ओवर करते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं, 1 किलोमीटर हो गया है फिर से, और इसको स्टॉप दोबारा कर देते हैं और चलो, थक गए। तो आज पूरा वर्कआउट हो चुका है, इन जैसे चीज़ों को उपयोग करके हमें स्ट्रेचिंग करनी पड़ रही है, नहीं तो टांगे लॉक हो जाएंगी। आज वर्कआउट हो चुका है, प्रोटीन टाइम, लेट्स पुट सम प्रोटीन इन साइड। थोड़ा सा क्रिएटिन भी डाल देते हैं, फिर चलते हैं यहाँ से। वाइस फाइनली जिम के बाद खाना खाने आ चुके हैं, हमारी पोस्ट वर्कआउट मील चल रही है, प्रोटीन पी चुके हैं, दिन के 5 बज चुके हैं, इसको खाते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं संडे को क्या करना है। नहीं रहा भाई है ना, एकदम बेजाताल पे आए, देखो भीड़ देखो, ऐसे आराम में आए हूँ, आराम में तो आई है क्या भाई, कुछ मिल रहा है क्या ऐसा बटवट रहा है? खाना वाना खा रहा है, सही कह रहा है। संजय शर्मा है क्या ये? लिखा तो है भाई संजय शर्मा, वो ये मास्क कितने करे लग रहे हैं, लेगा क्या सिगरेट तेरे उंगली से मजा आ जाएगा तुझे। संजय क्या लिखा आगे? संजय और आगे लियो वैशाली, संजय और वैशाली आई हैं, वो क्या रहा है ये भंडारा सा। 3 रुपए टिकट होगी इसकी, क्योंकि 5 में तो महंगा हो जाएगा, क्योंकि वो थाई वाले को थाईलैंड से आ गया था, वो चड्डी दिखी थी वो कहाँ गई भाई। नॉन वेज का जहाँ पे लाल नीली लाइट लगा दी किसी ने, क्या लिख दिया भाई, हिंदी में लिखा है ना, मेरा गौरव मेरा ग्वालियर। वाह यार गाइस, गौरव का ग्वालियर है ये, वो ट्रैफिक हो गया भाई, लेफ्ट में लगा लूँ गाड़ी आराम से, तुम्हें चिपका दिया होता से। आर्यन यादव कहाँ गया भाई? मुंगली ऑर्डर कर रहा है ना वो, तो करेक्ट है ना शायद? नहीं नहीं सर, पक्का कहाँ ले गया, कनेक्ट फूला फूला था, क्यों जाम लगा भाई यहाँ पे, कांचा भाई थे तू क्यों फालतू का जाम लगा रहे भाई, यही तो अपना काम है। पांडा की गाड़ी खड़ी है, पांडा तेरी गाड़ी सिल्वर कलर की, अरे तू उसको रिकॉर्ड मत कर रे, गाड़ी ला, वो बेचारा सोच रहा है इनका। ये देखो भाई साहब, ये ऑटो लगा के खड़ा मेरे आगे, भाई समझाइयो उसको कि भाई जब एक गन्ना रॉन्ग में आ रहा हो तो तुम तो राइट में रहो, मतलब तुम भी रॉन्ग हो जाओ। चाचा नहीं देख रहा मुझे, कहाँ जाके बैठ गया, आई डोंट नो। चलो भाई उतरते हैं यहाँ पे और यहीं कुछ फंसते हैं। भाई जब यहाँ ठेले पे आ गए थे, कांचा भाई पाया गया था यहाँ पे, पूरा थोड़ा सा दिखा वो भूखा पांडा जा रहा है, देखो भूखा पांडा। आज इतनी क्विक सर्विस कैसे मिल गई तुम्हें यार, ऑन द स्पॉट मिली है ये, मार्केट डाउन है, किसी का खा लिया क्या, गरम है तो हॉट बनवाया भाई, चाचा ने ऑर्डर कर दिया है 80 रुपए का मूंगलेट का। पांडा कितना भूखा प्राणी है, जो रोक नहीं पा रहा अपने आप को, सॉरी पार्क पार्क बोले, नहीं बिल्कुल नहीं आएगा पांडा रिट्रीट, नाम तो सही है यार। इसका क्या है, इसका नाम, इसका नाम क्या, कांचा बोलना, कितना तो बोल दिया और क्या बचा है, कुछ छोड़ा ही नहीं। ये तो चीला खा रहे हैं, वो मुंगलेट खा रहे हैं, यहाँ तो चीला ही बन रहा है, अब तो अच्छा रहा है खाते हैं। चलो भैया बॉटल दे दो पानी की यार, एक हमारे कांचा भाई को इतनी घंटफड़ भूख लगी है, देखिए कंट्रोल नहीं कर पा रहा, बार बार जाके उसके चक्कर मार रहा है, पुलिस की। हम बेचारे डाइट वाले लौंडे, मोमोज अच्छे मिल रहे हैं, ले लो खाएगा, मोमोज अच्छे नहीं हुए तो नहीं नहीं हुए फिर, और भीड़ लगी है ना, तो भीड़ तो यहाँ पे ऐसी कौन सी दुकान है जिस पे नहीं लगी है भाई, जब 20-30 रुपये में दोगे तो भीड़ तो लगेगी। 60 रुपये चाप दे रहा है कौन सरदार,
क्या है ये? पनीर चीला। पनीर चीला पनीर चीला आ गया। पनीर चीला की मंडी कर से क्या है ये? दो वाले दिखे चीले ले आओ चीला ले आओ। एक तो गली भी अटक जाता है। गाइस पांडा की खाने की आवाज़ पांडा को इधर मोमोज वाले पे ले आई है। कांचा को भेज दिया उसने ऑर्डर देने के लिए। कहाँ गया कांचा? कांचा धमक के संग ऑर्डर दे रहा है। पांडा को टेंशन हो गई। वहाँ पे तो बिल पांडा ने दे दिया, अब यहाँ कौन देगा? गाइस काफ़ी स्ट्रगल चल रहा था स्टूल के लिए। मोमोज आ चुके हैं कांचा भाई के। पांडा के मुझे पानी आ रहा है जो उसके गले और मुंह पे आ चुका है पसीने के रूप में। चलो कैसे हैं भाई? एक नंबर। 10 में से 9 8 अच्छे लगे यार। कौन से है? तंदूरी खा ले। फाइनली गाड़ी में आ चुके हैं। पहला ताल तो हम छोड़ चुके हैं। ड्राइवर चेंज हो गया है हमारा। प्रोफेशनल पहाड़ी ड्राइवर हायर कर लिया हमने। देखो बिना पहाड़ों की कैसी गाड़ी चलाता है, चेक करते हैं इसको। तो भाई इस पांडा की रात की ड्राइविंग के बाद हम सीधे घर जाके सो गए थे। कितने बज रहे हैं अभी? 6 बज रहे हैं। इधर उठे तो हम 4 बजे के हैं। 2 घंटे से कोई और काम कर रहे थे। चलो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय।